أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون शेख साहब आप स्टार्ट कर दीजिए, मेरे पास ट्रांसलेशन नहीं है, आप स्टार्ट कर लीजिए। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून,
ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। अय्यामन मअदूदात, ये रोजे कुछ ही दिन रखने हैं, चंद दिन हैं। वअलल लदीना युतीकूनहु फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो तुम में से जो बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजे रख ले, और जिसको रोजा रखने की ताकत हो और रोजा न रखना चाहे तो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए, एक मिस्कीन का खाना फिदिये में दे। फमन ततवअ खैरन फहुवा खैरुल्लाह, जो इससे ज्यादा देना चाहे तो बेहतर है, अच्छी बात है। वअन तसूमु खैरुल्लकुम, लेकिन तुम रोजा ही रखो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम्हें इस बात का इल्म है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है, जिसमें वाज़े निशानियां हैं, जो हक बातिल में फर्क करने वाली किताब है। तो जो इस महीनों को पाले उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे, और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़े रख करके रमज़ान के छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरे करे। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे साथ दुश्वारी नहीं करना चाहता, और तुम गिनतियों को पूरा करो, अल्लाह की तकबीर बयान करो जो उसने तुम्हें हिदायत दी, ताकि तुम और तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनो। और जब तुमसे मेरे बंदे मेरी बाबत पूछे तो कहो कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दावत पर उसकी दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, और मुझ पर ही ईमान रखो ताकि तुम सही राह पर रह सको, ताकि और चाहिए कि ईमान वाले मुझे ही पुकारे ताकि वो मुझ पर ही ईमान रखे, ताकि वो सीधी राह पर रहे। तुम्हारे लिए रमज़ान की रात हलाल कर दी गई है कि उसमें तुम अपने बीवियों से मिलो, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ताला जानता है तुम जो कुछ खयानत करते हो अपने नफ्सों के साथ, फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हें माफ़ किया, तब अब तुम अपनी बीवियों से रात के वक्त मिल सकते हो, और तुम तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारी मुकद्दर में लिख रखा है, और खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाए, फज्र से पहले तक। और तुम रमज़ान, तुम रोज़े को रात तक पूरा करो, और बीवी से मुबाशरत ना करो यानी रात होने से पहले तक, और मस्जिद में एतकाफ करो। ये सब अल्लाह की हुदूद है, इनके करीब ना जाओ। ऐसे ही अल्लाह ताला अपनी आयतें वाज़ह करके खोल खोल कर बयान कर रहा है लोगों के लिए, ताकि वो मुत्तकी बने, ताकि वो परहेजगार बने। और तुम आपस में एक दूसरे का माल ना हक तरीके से, गलत तरीके से ना खाओ, और इसलिए हुक्काम के पास केस ना लेके जाओ, ताकि वहाँ तुम लोगों का माल ना हक तरीके से गुनाह करते हुए हड़प सको, इस बात का इल्म होते हुए। लोग तुमसे पूछते हैं चांद के बारे में, तो कह दीजिए कि ये चांद ये लोगों को बताता है कि हज कब करना है। और नेकी सिर्फ यही नहीं है, और नेकी ये नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की राह से आओ, बल्कि नेकी दर हकीकत वो है जो आदमी तकवा इख्तियार करता है, और अपने घरों के दरवाज़ों से अंदर आ सकते हो, आओ घर में और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो सको। ये आज के दर्स की 7 आयतें थीं, और बहुत सारे अहकामात, बहुत सारे शरई मसाइल आज के दर्स में हमें और आपको सीखने के लिए मिलेगा। लिहाजा
आप सभी से गुजारिश है कि बहुत ध्यान से सुने और मसाइल को समझे, ये हमारी जिंदगी में काम आने वाले मसाइल हैं जिनसे हमें खुद ही निपटना पड़ता है या जो हमें फॉलो करने होते हैं। अल्लाह ने पहले फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। हम जानते हैं कि इस्लाम का दूसरा अहम रुकन नमाज है, पहला रुकन तौहीद, दूसरा रुकन और सौम के और सलात के बाद तीसरा अहम रुकन ये सौम है, सलात है, यानी रोजा रखना है। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये मकसद बताया गया। रोजा किसे कहते हैं? सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक, यानी सूरज के डूब जाने तक आदमी ना कुछ खाए ना कुछ पिए और ना तो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे। ये तीन अहम चीजें हैं जिनसे आदमी को रुकना है। ना आदमी कुछ खा सकता, ना पी सकता, ना अपनी बीवी से वो हमबिस्तरी कर सकता, मुजामअत मुबाशरत नहीं कर सकता। इसके अलावा आदमी झूठ से बचे, गीबत से बचे, चुगलखोरी से बचे, लघ और फजूल बात करने से बचे, कोई बेहुदा काम करने से बचे। पर कंट्रोल करते हुए ये काम करेगा तो उसके यहाँ तक्वा पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, अल्लाह के दीन पर चलने का जज्बा पैदा होगा, उसका नफ्स पाक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करता है, अगर ऐसा नहीं करता है तो तक्वा पैदा नहीं होगा। ऐसा ना हो कि सुबह सवेरे सहरी कर ली और उसके बाद फिर सोता पड़ा रहा, दिन भर सोता पड़ा रहा और फिर शाम में उठ करके इफ्तार कर लिया। तो ये रोजे का मकसद नहीं। रोजे का मकसद क्या है? तक्वा पैदा करना। और तक्वा कैसे पैदा होता है कि आदमी इन कामों से, यानी ना खाना खाए, ना पानी पिए, ना बीवी से मिले, हम बिस्तरी नहीं कर सकता, वो इस नियत से कि उसका नफ्स पाक हो, झूठ ना बोले, गीबत ना करे, बेहुदा काम ना करे, तो इंसान के अंदर तक्वा पैदा होता है। अल्लाह ने आगे फरमाया कि ये चंद दिन है, यानी बहुत सारे दिन नहीं है कि आदमी रखते रखते थक जाएगा। और ये भी अल्लाह ने बताया कि रोजे तुमसे पहले के लोगों पर भी फर्ज किए गए थे, तुमसे पहले के लोग। ये इतनी अहम चीज है, इतनी अहम चीज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की जो उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे ताकि वो अपने नफ्स को पाक कर सके और मुत्तकी बन जाए। मुत्तकी बनने के लिए रोजा रखना जरूरी है। जब आदमी रोजा रखता है तो मुत्तकी बनता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि चंद दिन है। चंद दिन क्या? या तो 30 दिन और अगर एक दिन पहले चांद हो गया तो 29 दिन। ये रोजा रखना है। हर आकिल, जिसके पास अक्ल हो, बालिग, जो बालिग हो चुका हो और सेहतमंद हो, आकिल बालिग सेहतमंद मोमिन, इन पर रोजा रखना फर्ज है। अलबत्ता अपने बच्चों को रोजा रखने की आदत डालने के लिए बचपन से ही रोजा साहबे कराम रखाते थे, बुलूगत से पहले ही। बच्चा भी बालिग नहीं हुआ, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का बच्चा है, उसे रोजा रखवाते थे ताकि जब बालिग हो तो उसको रोजा रखने की आदत पड़ जाए, फिर वो रोजा ना छोड़े। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सफर पर है उसके लिए ऑप्शन है, उसके लिए ऑप्शन है। अगर वो हालत सफर में ये चाहता है कि रोजा ना रहे तो वो ना रखे, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन जितने रोजे छूटे हैं बाद में उसकी गिनती वो पूरा करेगा। ऐसे ही बीमार है, बीमार भी अगर इतना बीमार है कि रोजा नहीं रख सकता तो रोजा ना रखे, वो तो वो रोजा ना रखे। रोजा ना रखने का उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, बाद में उस गिनती को लेकिन उसे पूरा करना है। अब यहाँ दीनी भाइयों, एक चीज हमें
अमली तौर पर अपने अपने तौर पर देखना है कि अगर हम सफर कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि हम बआसानी रोजा रख सकते हैं, यानी सहरी के वक्त सहरी मिल जाती है, इफ्तार के वक्त इफ्तार मिल जाएगा और सफर में है, सफर भी हमारा जारी रहेगा, हम रोजा भी रख सकते हैं, तो अगर ये डर हो कि बाद में रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा तो आदमी हाल के सफर में ही रोजा रख ले, कोई मसला नहीं है, वहां उसको पूरा सवाब भी मिलेगा। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आदमी सफर में है तो रोजा नहीं रख सकता, ऐसा नहीं है। तो ऐसी बीमार आदमी है, अगर वो वाकई इतना बीमार है कि रोजा रखना रखने की ताकत नहीं, या रोजा रखने की वजह से उसे लगता है कि मैं और बीमार हो जाऊंगा तो रोजा ना रखे, तो वो रोजा ना रखे, पहले अपनी सेहत की हिफाजत करे। उसके लिए बेहतर यही है कि वो रोजा ना रखे और अपनी सेहत की हिफाजत करे। लेकिन कोई मामूली मर्ज है, आदमी को बुखार है या सर में दर्द है, यानी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है उसको, तो उसे रोजा रखना है। अब सवाल ये उठता है कि आदमी कैसे डिसाइड करे, कि कैसे डिसाइड करे कि मैं रोजा रखूं कि ना रखूं। तो ठीक है, जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहा है, जिससे वो दवा ले रहा है, उससे राय ले ले। कभी कभी ऐसी दवाइयां दी जाती हैं कि दिन में 3 मरतबा खाना है, वहां तो बिल्कुल वाजे है कि आदमी को जरूरत ही नहीं कि वो रोजा रखे, दोपहर में भी उसको दवा खानी है। तो दीनी भाई ये शरी मसाइल है। शुरू शुरू में जब रोजा फर्ज किया गया तो ये ऑप्शन था कि अगर आदमी रोजा नहीं रखना चाहता तो वो अपने जगह पर एक मिस्कीन को खाना खिला दे। शुरू में जब बिल्कुल रोजा शुरू शुरू में फर्ज किया गया तो ये ऑप्शन था कि जैसे मैं रोजा रख सकता हूँ लेकिन रोजा नहीं रखना चाहता, मेरा दिल नहीं कहता कि मैं भूखा प्यासा रहूं, तो अपनी जगह पर मैं किसी मिस्कीन को खाना खिला दूं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजा रख लो, ये ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन तो था लेकिन रोजा रखना ये ज्यादा बेहतर था। ऐसे ही मिस्कीन को खाना खिलाने की इजाजत थी और ये भी कहा गया कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, यानी वो तो जरूरी ही है, वो फर्ज है। अगर आदमी रोजा नहीं रखना चाहता था और वो मिस्कीन को खाना खिलाना चाह रहा था तो एक मिस्कीन को खाना खिलाना ये जरूरी था, लेकिन 2-3 को खिला दो तो ये बेहतर है, ये अच्छा है। बाद में ये हुक्म जो लोग रोजा रख सकते हैं उनसे ये हुक्म हटा लिया गया, उनके लिए ये ऑप्शन खत्म कर दिया गया। समझे इसको, शुरू में ये था कि जो रोजा रख सकता है फिर भी अगर नहीं रखना चाहता तो एक मिस्कीन को खाना खिला दे, रोजा ना रखे, रोजा रखेगा तो ये बेहतर है, ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं रखना चाहता तो भी जायज था। लेकिन बाद में ये ऑप्शन खत्म कर दिया गया, जिसके पास ताकत है उसे रोजा रखना ही रखना है, कंपल्सरी हो गया, उसके ऊपर रोजा रखना जरूरी और फर्ज है। अगर रोजा छोड़ेगा तो बहुत बड़ा गुनाह है, और फिर चाहे 10 मिस्कीन को खाना खिलाए चाहे 50 मिस्कीन को खाना खिलाए, उसे गुनाह मिलेगा, वो मिस्कीन को खाना खिला के बच नहीं सकता। अब ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो वाकई इतने कमजोर है कि वो रोजा रख ही नहीं सकते, बूढ़े हो गए नहीं रोजा रख सकते, या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है, दायमी बीमारी जो बीमारी हमेशा उनके साथ रहेगी, तो उसमें कंटिन्यू दवाइयां खानी रहती हैं, उसमें आदमी के लिए इजाजत है कि वो रोजा ना रखे, यानी पूरा रमजान का महीना रोजा नहीं रखेगा, बूढ़ा आदमी हो गया, बूढ़ी औरत हो गई है, वो रोजा ना रखे, उसकी जगह पर एक मिस्कीन को खाना खिलाए या 2-3 मिस्कीन को खाना खिला दे तो अच्छी बात है, 2-3 मिस्कीन को खाना खिला दे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक मिस्कीन को खाना खिलाना। यहाँ भी सवाल उठता है कि एक मिस्कीन को कितना खाना खिलाया जाए, एक वक्त का खिलाया जाए या 2 वक्त का खिलाया जाए, एक वक्त का खिलाया जाए या 2 वक्त का खिलाया जाए। तो दीनी भाइयों, मिस्कीन को खाना खिलाना ये पहले से ही नेकी और सवाब का काम है, इसीलिए अल्लाह ने कहा एक को खिलाते हो तो ठीक है, 2-3 को खिला दो तो और अच्छा है और बेहतर है। इससे पता क्या चला कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि उसके बंदे गरीब मिस्कीन को ज्यादा से ज्यादा अपनी हैसियत के मुताबिक खाना खिलाते रहे, ये है असल मकसद अल्लाह का, ये है
ताकि मिस्किनों का भला होता रहे। तो हमें और आपको जो बूढ़ा हो चुका है, जो कमजोर हो चुका है, दायमी बीमारी का शिकार हो चुका है, वो अब ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें से ठीक हो जाना बहुत मुश्किल लगता है, तो उसे चाहिए कि वो मिस्किन को खाना खिलाए और दोनों टाइम खिलाए, क्योंकि अल्लाह की मंशा ये है, अल्लाह का मकसूद ये है कि ज्यादा से ज्यादा मिस्किन उससे फायदा उठाए। एक सवाल और इस पर उठता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि पूरे महीने का राशन भरा करके उस मिस्किन के घर पहुंचा दे, या खाना बनाकर खिलाना जरूरी है? तो दीनी भाई दोनों किया जा सकता है, दोनों किया जा सकता है। आप चाहे अपने घरों से डेली बुलाकर खाना खिलाएं, ये भी जायज है, लेकिन इसमें थोड़ी मशक्कत है, आपके लिए भी उसके लिए भी मशक्कत है, और अगर ये मशक्कत बर्दाश्त करते हैं तो सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर आदमी राशन भरा करके और उसके घर पहुंचा देता है पूरे पूरे महीने का, तो ये जायज है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है। अल्लाह ने आगे फरमाया कि रमजान का वो महीना, इसके अलावा भी अगर कुछ मसाइल लोगों के जहन में है तो अभी दर्स के बाद वो सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि रमजान के महीने में कुरान नाजिल किया गया। कुरान और रमजान दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है, कुरान मजीद का रमजान से या रमजान का कुरान मजीद से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया कि कुरान मजीद लैलतुल कद्र में नाजिल किया गया। लैलतुल कद्र भी रमजान के महीने में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया करते थे, और जिस साल आपकी वफात हुई उस साल अल्लाह के नबी ने दो मरतबा कुरान सुनाया। जिब्रील आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दो मरतबा दौरा कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रमजान के महीने में कुरान का खास तौर पर एहतमाम करते हैं, वैसे पूरे साल कुरान की तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान की सिफत बताई कि ये लोगों के लिए हिदायत का जरिया है, और इससे हक और बातिल वाज़े होता है, सही और गलत की कुरान मजीद तमीज करता है, कुरान बताता है क्या गलत है क्या सही है। फिर अल्लाह ने फरमाया फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसूम, जो आदमी रमजान का महीना पाए तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखे। ये टुकड़ा जो है उनमें से जो रमजान का महीना पाए उसे चाहिए कि रोजा रखे। इसी टुकड़े से वो पिछला हुक्म जो था जिसमें ऑप्शन था कि चाहे रोजा रखे चाहे मिस्किन को खाना खिलाए ताकतवर के लिए भी, वो ऑप्शन खत्म हुआ है इसी आयत से। जब ये आयत नाजिल हुई तो वो हुक्म खत्म हो गया, और इससे पता चला कि नहीं रोजा रखना ही रखना है जो ताकत रखता है। आगे अल्लाह ने फिर दोहराया कि कोई बीमार है या सफर पर है तो वो बाद में रोजे रख सकता है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता, तुम्हारे साथ दुश्वारी नहीं चाहता है, और गिनती को पूरा करो, गिनती को पूरा करो। उसको अगर चांद नजर आ गया तो ये अच्छी बात है, अगर 29 तारीख को चांद नजर आ गया तो रमजान का महीना पूरा हो गया। लेकिन अगर चांद नजर नहीं आया या कहीं दूसरे जगह से खबर मुसद्दक खबर नहीं आई तो अब क्या करना है? तो फिर आदमी को 30 की गिनती पूरी करना है। आगे अल्लाह ने फरमाया ये सब इसलिए है ताकि तुम शुक्रगुजारी करो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। यानी रमजान गुजर जाने के बाद आदमी को ईद की नमाज बतौर शुक्राना पढ़ना है कि अल्लाह ने हमें पूरे रमजान रोजा रखने की, इबादत करने की, कुरान की तिलावत करने की, दुआएं मांगने की, जिक्र अज़कार करने की, नेकियों की तौफीक बख्शी, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद अगली आयत अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरी बाबत पूछे तो कह दो मैं करीब हूँ, कह दो मैं करीब हूँ। यानी बंदा अपने रब को पुकारे अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि उसके बंदे उसको पुकारे। किसी की आवाज आ रही, कंटिन्यू डिस्टर्ब हो रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये
चाहता है कि उसके बंदे अल्लाह को पुकारे, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे जब मुझसे, मेरे बंदे जब आपसे पूछे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब मेरे बंदे मेरी बाबत पूछे, फइन्नी करीब, तो नहीं कहा को मैं बिल्कुल करीब हूँ, यानी उनकी दुआओं को सुनता हूँ, उनकी दुआएं कबूल करता हूँ, उजीबु दाई, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो दीनी भाइयों, इस आयत में बुनियादी पैगाम ये है कि हमें कसरत से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज हो जाता है जो बंदा अपने रब से मांगता नहीं, जो बंदा अपने रब से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। हम और आप सब मोहताज हैं, मुख्तलिफ मुश्किलों परेशानियों में घिरे हुए हैं, हमें अल्लाह से अपनी परेशानियों पर सवाल करना चाहिए, मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से हमें दुआएं करते रहना चाहिए। दुआ ये इबादत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ वल इबादा, हकीकत में दुआ ही इबादत है। नमाज में भी अल्लाह से मांगते ही रहते हैं, नमाज में भी अल्लाह से मांगते ही रहते हैं, रमजान में रोजा रखते हैं तो हम अपने हालत से ही बताते कि अल्लाह हम तेरे हुक्म पर चलने वाले, हम काबिले रहम है, हम पर रहम कर, हम तेरे बंदे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह से मांगते रहें। यहाँ एक बात और समझ में आई कि बात चल रही थी रोजे की, बात चल रही थी कुरान की, बात चल रही थी रमजान की, इस बीच में दुआ का जिक्र आया। क्यों? मुफस्सरीन ने लिखा है कि हालत रोजा में, रोजा रखते हुए, वो भी रमजान के महीने में, दुआ का अल्लाह ताला खास दर्जा रखा है, अल्लाह ने दुआ का खास दर्जा रखा है, और रोजे से मुतालिक बातों के दरमियान बीच में अल्लाह ने दुआ का इसलिए जिक्र किया क्योंकि इन हालात में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। यानी आदमी रोजे की हालत में है, अल्लाह से मांग रहा है, तो वो दुआ ज्यादा कबूल होती है, बंदा इतनी बेहतरीन इबादत में लगा हुआ है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने दुआ का इसमें जिक्र किया। आगे फिर कुछ मसाइल हैं रमजान के रोजे से मुतालिक या रोजों से मुतालिक। एक मसला ये है कि अल्लाह ने पहले शुरू में ये था कि आदमी ने इफ्तार किया और इफ्तार करने के बाद जब तक वो सोता नहीं, ऐशा की नमाज के बाद हम सबको सोने का हुक्म है, आज भी हुक्म है कि ऐशा की नमाज के बाद आदमी जितनी जल्दी हो सके सो जाए। हाँ, अपने बीवी बच्चों में है तो उनसे बातचीत कर सकता है, लेकिन ऐसे लायानी फजूल कामों में नहीं, जितने जल्दी हो सके वो सो जाए। तो पहले ऐसा था कि पहले ऐसा था कि इफ्तार किया आपने, और इफ्तार करने के बाद जब तक आप जाग रहे हैं, सोने से पहले तक जो खा सकते हैं खा लें, जो पी सकते हैं पी लें, बीवी से अगर हमबिस्तरी करनी है तो कर लें, लेकिन एक मर्तबा जब सो गए और फिर आँख खुली तो आपका रोज़ा स्टार्ट, अब कुछ खा पी नहीं सकते, अब रोज़ा आपका स्टार्ट हो गया, अब फिर सीधा मगरिब के वक्त जब सूरत गुरूब होगा तब जा करके आप इफ्तार कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मशक्क़त वाला था, थोड़ा इसमें दुश्वारी थी। और एक मरतबा एक साहबी रसूल आए, दिन भर काम करके बाद थके हारे बिल्कुल एकदम थकावट से चूर, मगरिब से थोड़ी देर पहले आए और उन्होंने ये सोचा कि अभी इफ्तार के वक्त उठूंगा, इफ्तारी करूंगा, भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, लेकिन वो उसी हालत में आए और वो सो गए और सोए ही रहे यहाँ तक कि वो इशा का वक्त गुजर गया, सोए पड़े ही रह गए, वो उठ नहीं पाए और दूसरा रोजा शुरू हो गया, तो बहुत दुश्वारी में पड़ गई वो। अल्लाह ताला ने आसानी कर दी, फिर इस रोजे में अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। फिर अभी जो शक्ल मौजूद है रोजे की कि फिर पूरी रात हमारे लिए हलाल रहता है, पूरी रात हम खाते पीते रहे, बीवी से मिलते रहे, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है, उसी बात का अल्लाह ने जिक्र किया, उहिल्ला लकुम, तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया लैलतस्सियामी, सौम की रात, यानी रात तुम्हारे लिए हलाल है, उसमें तुम अपनी बीवियों से मिल सकते हो, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। लिबास का क्या मतलब कि बीवी को और शोहर को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया,
जैसे कि लिबास, उसके बहुत सारे फायदे हैं, तो ऐसे ही मियाँ बीबी को एक दूसरे का लिबास बन के रहना चाहिए, एक दूसरे का बहुत सारा वो फायदा पहुंचाने का जरिया है। जैसे मिसाल के तौर पर ये लिबास, इसका क्या काम है? इसका पहला काम तो ये है कि हमारी ऐब पोशी करता है, हमारे हमारे बदन को ढांकता है। तो बीवी अपने शोहर के अयूब को ढांपे और शोहर अपने बीवी के, यानी कमियों के बावजूद भी वो एक दूसरे की जीनत है, एक दूसरे की बुराइयां इनसे उनसे नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की बुराइयां इनसे उनसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ये लिबास है, ये हमें गर्मी का लिबास अलग होता है, सर्दी का लिबास अलग होता है, लेकिन बुनियादी मकसद क्या होता है कि हमें मौसम से बचाता है। सर्दी में हमें ठंडक से बचाता है, गर्मी में हमें गर्मी से बचाता है, अगर हमने वैसा लिबास बनाया। तो मियाँ बीवी को भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना चाहिए कि दुख है तो उसमें एक दूसरे का साथ दें, सुख है, खुशी की बात है तो उसमें एक दूसरे का साथ दें, उसमें से कोई एक बीमार है तो दूसरा उसका ख्याल रखे, इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ मामला करें। अल्लाह ने फरमाया कि ये दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم। अगले टुकड़ा जो है, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जान लिया जो तुमने खयानत की, जो तुमने खयानत की। ये खयानत का क्या जिक्र है कि मैंने बताया ना कि शुरू में ये एक दुश्वारी थी रोजे में, कि इस तरह से रोजा था कि पूरी रात फिर आदमी मिल नहीं सकता था बीवी से, हमबस्तरी नहीं कर सकता था। एक मरतबा ऐशा की नमाज पढ़ लिया तो उसके बाद फिर ऑप्शन खत्म हो गया, तो कुछ लोगों से ऐसा नहीं हो पाया, उसके बाद भी वो मिल लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाद में अल्लाह ने ये चीज़ ख़त्म कर दी, अल्लाह ने ये चीज़ ख़त्म कर दी, उनके उस खता को अल्लाह ने माफ़ किया, उस लग्जिश को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया वाफा अनकुम, अल्लाह ने तुम्हें दरगुजर कर दिया। फल आना, अब नया ऑर्डर आ रहा है, फल आना बाशिरुहुन्ना, अब तुम अपनी बीवियों के साथ मिल सकते हो। वब्तगू मा कतब अल्लाहु लकुम, उनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, और तुम तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, यानी औलाद हासिल करने की कोशिश कर सकते हो, मुबाशरत कर सकते हो, मुजामात कर सकते हो, हम बिस्तरी कर सकते हो जिससे औलाद पैदा होती है। आगे अल्लाह ने फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबयन लकुम अलखैत अलअबयज मिन अलखैत अलअसवद मिन अलफजर, कि खाओ पियो, अब आसानी आ गई, खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाए। खैत अलअबयज मुराद सुबह सादिक, यानी जब फजर की अजान होती है तब तक तुम खा पी सकते हो। पहले मैंने बताया कि ऐसा नहीं था, ये सब बाद में हम लोगों को अभी जो मिला है रोजा, जिस तरह से हम रखते हैं, ये आसानी वाला मिला है, आसानी के साथ मिला है, पहले ऐसा नहीं था। एकदम शुरू में कुछ दिनों तक, यानी इब्तिदा ही में ये हुक्म था, उसके बाद ही फिर उसको चेंज करके अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हम सबको बड़ी राहत है। अल्लाह ने फरमाया तुम अतिमुस सियाम इला लैल, फिर अब रात तक तुम रोजे को पूरा करो, रात तक मतलब मगरिब तक, मगरिब तक तुम्हें अब रोजा रखना, सुबह सादिक से लेकर के मगरिब तक हालत रोजा में रहना है। लेकिन इस दौरान वला तुबाशिरुन, अब दिन में बीवी से नहीं मिल सकते, ना मिलने का मतलब ये नहीं मुलाकात नहीं कर सकते, उससे खास माना है, और खास माना क्या है वो मैं बार बार बता चुका हूँ कि वो हर काम नहीं कर सकते जिससे औलाद पैदा होती है। बाकी बीवी के साथ यानी बोसो किनार करना भी जायज़ है, आदमी अगर बोसा देता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, उसकी सही रवायतें मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया अंत में, लेकिन वही आदमी ये सब करे जिसको अपने नफ्स पे कंट्रोल हो, जो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता हो, ऐसा ना हो कि इब्तिदा किया उसके बाद आदमी आगे तक बढ़ जाए और फिर बाद में पता चला कि वो उसका रोजा ही फासिद हो जाए, रोजा ही खराब हो जाए। तो हर आदमी को अपने नफ्स के बारे में पता है कि वो कितना अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाला है, तो उसी हिसाब से उसको रहना है। अगर डर हो कि वो बीवी को छुएगा, बीवी के करीब जाएगा और बात आगे बढ़ जाएगी, तो करीब भी ना जाए, उससे दूर ही रहे। अल्लाह ने फरमाया अंत माकिफून फिल मसाजिद, कि तुम मस्जिदों में एतकाफ करो। रमज़ान में एक खास इबादत आती है एतकाफ की। एतकाफ एक बहुत प्यारी इबादत है, बंदा आखिर के 10 दिन के लिए अपने आप को, या आखिरी आशरे में चाहे वो 10 दिन का हो चाहे 9 दिन का हो, अपने आप को मुस्तकिल मस्जिद में ले आता है और फिर नफली नमाजों में कुरान की कसरत से तिलावत में, जिक्र अस्कार में, दुआओं में उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरता है। तो ये भी बहुत प्यारी इबादत है, हर मस्जिद में इसका एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, कि ये सब जो बाउंडेशन अल्लाह ने बताए, ये जो मसाइल अल्लाह ताला ने बताए, ये अल्लाह की हुदूद है, जो करने के लिए कहा गया उसे करना है और जिनसे रोक दिया गया उनसे दूर रहना है, ये अल्लाह की हुदूद है। फला तक़रबूहा, इनके करीब भी ना जाओ, इनके करीब भी ना जाओ, कोई हुक्म टूट ना जाए
इसलिए उससे दूर ही रहो, अगर तुम्हें लगता कि मैं जाऊंगा तोड़ दूंगा उस हुक्म को तो उससे दूर ही रहो। अल्लाह ने फरमाया कदालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, ऐसे अल्लाह ताला अपनी आयतें खोल खोल करके बिल्कुल वाज़ह क्लियर करके अल्लाह ताला लोगों के लिए बयान करता है। क्यों? लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो मुत्तकी बन सके, ताकि वो परहेजगार बन सके। अगली आयत में अल्लाह ताला ने मना किया है कि आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से ना खाओ, बिल बातिल, बातिल तरीके से। अब बातिल की आप तशरीह जो भी कर लें, जिस तरीके से भी नाहक माल हड़पा जाए वो सब हराम है, सारी चीजें हराम, धोखा दे करके, झूठ बोल करके और किसी के साथ फ्रॉड करके, जो भी शक्ल उसकी बनती हो, चाहे झूठा केस करके वहां जाके आदमी मुकदमा जीत जाए, वहां जाके आदमी अपना केस जीत जाए, हाँ ऑफिस समझे मेरा हो गया, इंसान को पता होता है कि मेरा हक है या नहीं है, उसका हक नहीं है तो वो चीज वो ले ही नहीं सकता है, चाहे कितनी ही आसानी से वो चीज मिल जाए, कितनी ही आसानी से वो चीज मिल जाए वो उसे ले नहीं सकता, क्योंकि वो चीज उसकी नहीं, वो उसका मालिक नहीं, उस पर उसका हक नहीं बनता है। तो अल्लाह ने साफ मना कर दिया कि ऐसा ना करो, आपस में दूसरे का माल ना हक तरीके से ना खाओ, गुनाह करते हुए ना खाओ, यानी ये गुनाह की बात है कि आदमी ना हक दूसरे का माल खा जाए, उसे हड़प करे, वो भी जानते बूझते भी। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि लोग आपसे चांद के बारे में पूछते हैं, तो आप कह दो कि चांद का काम क्या है। चांद ये अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह की मखलूक है जो हम और आप देखते हैं, इससे इस्लामिक कैलेंडर चलता है, चांद से इस्लामिक कैलेंडर चलता है कि चांद देख करके ही महीना शुरू होता है, चांद देख करके महीना खत्म होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि कह दीजिए हज के लिए है, यानी हज के लिए, क्या मतलब हज के लिए है कि आदमी इसी को देख कर वो समझता है कि अच्छा ये अब कौन सा महीना शुरू हो गया तो अब हज के लिए हमें जाना है। ऐसे चांद देख करके ही आदमी को पता चलता है कि रमजान का महीना शुरू हो गया, चांद देख कर आदमी को पता चलता है कि अब शव्वाल का महीना शुरू हो गया। तो चांद का बुनियादी मकसद ये है, चांद का बुनियादी मकसद ये है, अल्लाह ने वो फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वले सलबिर रुबे अंत अतुबयु तमिन जहूरिया, कि ये कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे के दरवाजे से आओ। असल में इसके पीछे एक वाकया है, एक रीत थी जमाने जाहिलियत में। रीत क्या थी कि जब कोई आदमी हज के लिए या उम्रे के लिए अपने घर से निकलता था और निकल चुका, तो निकलने के बाद जब कुछ दूर जाता, कुछ भूल गया या कोई सामान रह गया, अब उसको फिर दोबारा आना है घर पर किसी वजह से, तो वो उसी दरवाजे से नहीं आता था जिस दरवाजे से गया, वो घर के पीछे जाता था, पीछे से सीढ़ी उड़ी लगा करके, या रास्ता अगर है या दरवाजा अगर है तो वहां से आता था घर में कूद करके या दरवाजे से। क्यों? वो समझता था कि सामने वाले रास्ते से आऊंगा तो गोया कि मैं हज पे जा रहा था और लौट आया, या उम्रे पे जा रहा था तो लौट आया, एक तरह की अजीब जहालत थी। तो अल्लाह ने मना किया, बोला ये कोई, अल्लाह ताला ने फरमाया कोई नेकी नहीं है, ये कोई नेकी की बात नहीं है कि आगे वाले दरवाजा, अरे आदमी कुछ भूल गया, लेने आ गया है, कुछ कुछ याद आ गया, वो काम करने आ गया, तो ये कोई यानी एकदम लायानी चीज है। अल्लाह ने उसे मना कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि नेकी तो तकवा है, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के हुक्म पर चलने का जज्बा, ये असल में अल्लाह ताला देखता है। बाकी इंसान है, कुछ भूल गए, कोई चीज लेना है तो उस पर ये मशक्कत बर्दाश्त करना कि इस तरह से लौट करके आएंगे, ये कोई नेकी का काम नहीं है। अभी भी बाज लोग इसको बेहरमती समझते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद में आए हैं तो हम आ रहे हैं तो हमारा चेहरा है मस्जिद की तरफ, अब वापस जा रहे हो तो हमारी पीठ है, तो पीठ है तो क्या हो गया इसमें, इसमें हरज की कौन सी बात है, इसमें गुनाह की कौन सी बात है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे निकलते थे, ऐसे आते थे, सहाबे कराम ऐसे आते थे, ऐसे जाते थे, तो कहीं कहीं बेजा अदब आता है। अदब एहतराम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बेजा अदब एहतराम जिसकी वजह से आदमी अपने आप को मशक्कत में डाल ले कि नहीं हमें मस्जिद से निकलना, तो कैसे निकलना, उल्टे पाँव निकलना है, पीछे हम मुड़ जाएंगे तो हमारी पुश्त हो जाएगी पश्चिम की तरफ, तो इसमें हरज की बात। अगर ये शरीयत में इसको आयब बनाया गया, अल्लाह के नबी ने इसको आयब करार दिया हो, तो बेशक वो आयब है, हमें उससे बचना है। लेकिन अगर इस्लाम में सख्तियां नहीं है तो ये बेजा सख्तियां अपने ऊपर क्यों लागू करें, खामखा की सख्तियां अपने ऊपर क्यों लागू करें, जबकि वो दीन भी नहीं है। वो दीन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीन नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घर के अंदर पीछे के दरवाजे से जाओ। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे समाज में, माशरे में दीन के नाम पर भी राइज है, जो एक मशक्कत बनती है, एक दुश्वारी बनती है, और आदमी के लिए कभी कभार वो उलझन का सबब बनती है। अल्लाह ने फरमाया वह अतुल बयूत मिन अबवाबिहा, अपने घर के दरवाजों से घर में जाया करो,
अपने घर के दरवाजों से घर में जाया करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, ताकि तुम कामयाब हो सको। तो ये आज की आयतों में बहुत सारे कुछ मसाइल थे जो जिक्र किए गए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन तमाम मसाइल पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला हम में से जिसके जो रोजे रमजान के टूटे हुए हैं उसे पूरा करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन तक़बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब कोई सवाल है तो जरूर करें। साहब एहतिकाफ घर पे कर सकते हैं क्या? एहतिकाफ? हेलो, एहतिकाफ घर पे कर सकते हैं? घर पे कर सकते हैं क्या? नहीं, घर पे करने की कोई दलील नहीं मिलती है। जहां भी जिक्र है एहतिकाफ का उसके साथ मस्जिद का जिक्र है। वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तुम एहतिकाफ करो मस्जिदों में। जो लोग करते हैं उनके पास क्या दलील है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे नजर में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि एहतिकाफ घर में भी कर सकते हो। और एहतिकाफ में जो है कोई दुनियावी काम नहीं कर सकते ना? जी एहतिकाफ की हालत में कोई दुनियावी काम, मतलब एहतिकाफ नाम ही है कि आप अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जाके मस्जिद में बैठ गए। अब वहां आप अपना मोबाइल लेकर गए, वहां से अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, वहां से व्हाट्सएप चला रहे, सारे डील कर रहे हैं, तो ये उसका मकसद नहीं हल हो रहा है, उसका मकसद नहीं हासिल हो रहा है। उसका मकसद क्या था कि आप दुनिया से कट करके खालिस अल्लाह की इबादत में लग गए। हाँ, कोई बहुत अर्जेंट बहुत जरूरी ऐसा काम आ गया कि जिसके बगैर चारा नहीं, तो उसको वक्ती तौर पे करने की इजाजत है बस। बाकी दुनिया से कट करके आखिरत की तरफ अपना लौ लगाना, ये इतकाफ का बुनियादी मकसद है। मौलाना, फीमेल लेडीज लोग तो घर से ही इतकाफ करते हैं ना? हाँ करते हैं भाई, मुझे उससे इनकार नहीं है, करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। इजाजत है कि नहीं औरतों का? जी औरतों का इत्तेकाब जो होता है तो वो घर से ही करते हैं, तो वो भी नहीं है क्या जायज? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कोई दलील नहीं है, करने वाले करते हैं लेकिन कोई दलील नहीं है। बोला ना ये औरत का पूछ रहे हैं, औरत जो है इत्तेकाब। जी 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 मैं औरतों का भी कह रहा हूँ, औरतें भी जो घर में इत्तेकाब बैठती हैं उसकी कोई दलील नहीं है। औरतें इत्तेकाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते पहले ये बताइए। मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसके बारे में औरतों का इत्तेकाब के बारे में कोई जिक्र नहीं है ऐसा आप बोल रहे हैं? कोई जिक्र नहीं। हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने इत्तेकाब किया। इत्तेकाब के लिए उन्होंने जो खेमा बनता है यानी जिस तरह से घेरते हैं, तो उन्होंने मस्जिदों में लगाया था, मस्जिद नबवी में लगाया था कि यहाँ हमें इत्तेकाफ करना है। घर में नहीं, मस्जिद नबवी में लगाया था कि मुझे यहाँ पर इत्तेकाफ करना है। उसकी चाहिए तो मैं दलील भेज दूंगा। नहीं मतलब भेजने की बात नहीं है, मतलब मैं जानना चाह रहा था ये नॉलेज के लिए, क्योंकि काफी मस्तूरात औरतें इत्तेकाफ करती हैं घर से, एक एक घर के एक कोने में ऐसा हुजरा बना के और इत्तेकाफ करते हैं घर से। जी करते हैं, मेरे अपने खानदान में भी कुछ लोग हैं जो करते हैं, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे नहीं पता ये अमल आप लोग क्यों करते हैं, इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है, यानी कोई एक हदीस भी नहीं मिलती कि जिसमें ये पता चले कि घर में इत्तेकाफ किया जा सकता है। तो जैसे हुजूर की बीवियों ने किया इत्तेकाफ, उसके बाद कोई और उस दौर के बाद मस्तूरात ने कोई जैसे जब कई इमाम आए तो इस बीच में किसी का कोई कोई हवाला नहीं मिलता कि बाकी बाद में लोगों ने किया या नहीं, कोई सहाबियां की होंगी ऐसा कुछ, कोई इसका दलील नहीं मिलता है? नहीं मुझे, मैंने जितना पढ़ा अब तक मुझे तो कहीं नहीं मिला। अच्छा 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 रोजे से मुतालिक सवाल ये था कि मुर्जिया औरत यानी जो औरत दूध पिलाती है, हाँ, या जो जिसको अभी 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 बच्चा पैदा हुआ है यानी डिलीवरी अभी अभी हुई है और रमजान शुरू हो गया, या जो हमल से है यानी पेट से है, तो ये भी अगर रमजान के रोजे को रखना इनके लिए दुश्वार है ना, तो उसमें भी इनके साथ मसाइल है। जैसे अगर दूध पिलाना है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो वो भी चाहे तो रोजा ना रखे, क्योंकि दूध पिलाएगी तो हो सकता है उसके मतलब बॉडी में उतना खून नहीं बनेगा, उतना दूध नहीं बनेगा, तो बच्चा भूखा रह जाएगा, इसलिए वो उस साल जिस साल दूध पिलाना जरूरी है वो रोजा
ना रखे, वो बाद में अपनी गिनती पूरी करे, बाद में वो रोजा रखे। ऐसे अगर हमल से है बीवी, यानी हमल से है, उस हालत में भी अगर डर है बच्चे को या खुद औरत को डर है कि उसके सेहत को कुछ हो जाएगा, तो भी रोजा ना रखे, बाद में रोजा रखे। और अगर डिलीवरी हुई है तब तो खैर कोई मसला ही नहीं है, फिर वो पूरा महीना रोजा नहीं रखेगी, या जितने दिन तक उसको पाकी नहीं मिलती है 40 दिन तक, तब तक वो रोजा नहीं रखेगी, लेकिन बाद में उस गिनती को पूरा करना है। जी ठीक है, मेरा सवाल हो गया। शेख साहब सलामकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब एक बात थी कि जैसे यहाँ तरावी की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि कुरान शरीफ खत्म करनी होती है लगभग सभी मस्जिद में, तो इतना इतना फास्ट पढ़ते हैं वो कि जो पीछे मुतकीन है उनको कुछ भी समझ में नहीं आता जी। तो वो कुरान शरीफ पढ़ना बेहतर है या कुछ ऐसा आप जैसे जैसे गल्फ में या कहीं अब आराम से पढ़ते हैं जो आपको आपको समझ में भी आ रहा है, कुरान शरीफ खत्म नहीं होती है, तो दोनों में बेहतर बेहतर तरीका कौन सा है? नहीं, कुरान कुरान कैसे पढ़ना चाहिए, अल्लाह के नबी ने बताया ना, पूरा दीन अल्लाह के नबी ने बताया है, तो कुरान कैसे पढ़ना ये भी बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कुरान में ही मौजूद है ना, वरतिल कुरान तरतीला, अल्लाह ने फरमाया कुरान को तुम तरतील के साथ पढ़ो। तरतील छोड़ के अगर कोई कुरान पढ़ता है तो कोई भी कारी हो वो उसको हटा देना चाहिए, वहां से उसको मना करना चाहिए कि आप क्या मजाक बना रखा आपने इतने फास्ट। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से तकरीर कर रहा हूँ, और मैं इतनी स्पीड में बोलूँ कि आपके समझ में नहीं आया तो आप मेरा दर्स अटेंड करेंगे? यार इतना फास्ट बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। तो कुरान तो बाकायदा इबादत है, उसकी इबादत करना यानी उसके उसके तिलावत करना है कि इबादत सवाब का काम है। अल्लाह ने फरमाया वरतिल कुरान, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। तरतील का मतलब क्या होता है कि तजवीद की सारी रियायतें हो, कहाँ गुन्ना है, कहाँ मद्दा है, कहाँ इख्फा है, कहाँ कितना खींचना है, वो सबका पूरा एहतमाम होना चाहिए। उसके साथ साथ अल्फाज की अदायगी बिल्कुल वाज़ह होना चाहिए, कौन सा लफ्ज आप पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई कारी इसका एहतमाम नहीं करता तो चाहे वो थोड़ा कुरान पढ़े, चाहे ज्यादा कुरान पढ़े, चाहे पूरा पारा पढ़ता हो, चाहे छोटी तरावी पढ़ता हो, लेकिन स्पीड में पढ़ता है, इतनी स्पीड में पढ़ता है कि समझ में नहीं आता, सिर्फ उसी को समझ में आता कि वो क्या पढ़ता है, तो ऐसे कारी के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उसको मना करना चाहिए कि या तो तुम सुधार लो, इसको सही ढंग से पढ़ाओ, या फिर हर जमात में बहुत सारे कुर्रा है दूसरे दूसरे लेकर के आए कि भाई जो थोड़ा सा ठहर ठहर के पढ़े और सबको समझ में आए। इसमें असल में होता क्या, मैं आपको बताऊं, मैं भी एक हाफिज हूँ और मैं भी तरावी पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे भी वो फेस करना पड़ता है। मैं बताता हूँ आपको कि मेरी मस्जिद में जहाँ मैं तरावी पढ़ाता हूँ, वहाँ लोधा में पढ़ाता हूँ, यहाँ भी आकर के पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रात में, और बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं उसमें, यानी ज्यादातर डॉक्टर्स या मेडिकल से जुड़े हुए लोग ले, तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि कुरान में ठहर ठहर कर ही पढ़ूंगा, चाहे किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं से आना है, पूरे साल में एक रमजान का एक महीना है जिसमें हमें इबादत करने के लिए एक अच्छा खासा वक्त निकालना चाहिए। अब उसमें कोई प्रेशर बनाए कि नहीं हाफिज जी आप 40 मिनट में कुरान मुकम्मल करो या 45 मिनट में कुरान मुकम्मल करो, ये मिनट की तयन करने वाले कौन होते हैं आप? कुरान में किस पारे में कितना मद्दा है, कितना इख्फा है, किस स्पीड से मुझे पढ़ना है और कैसे पढ़ना, ये मैं बेहतर जानता हूँ ना, मुझे पढ़ाना कुरान। हाँ, अगर मुझ पर बहुत प्रेशर कोई बनाएगा कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ूं तो सवाब कहाँ मिलेगा, फिर तो मजाक बन जाएगा कुरान का, ये समझ में नहीं आएगा। अब उसमें होता है क्या, हाफिज जी को भी छुटकारा लेना है कि फटाफट करके चलो आधे घंटे में काम तमाम करो, पौने घंटे में काम तमाम करो, छुटकारा मिले, तो कभी कभी उनसे भी बजाय तकवा की राह पर चलने के सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने में लग जाते हैं। एक पारा हो गया 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट में एक पारा हो गया, और फिर पब्लिक को भी उतावली रहती है कि चलो जल्दी से अपना काम खत्म हो। काम समझ के नहीं करना चाहिए, असल बुनियादी मकसद क्या है उसका, कि आप कुरान सुन रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, आपको सुनने का सवाब मिल रहा है। अब कुरान आप क्या सुन रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी इमाम का इमाम साहब कुरान क्या पढ़ रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब बहुत घोड़ी हरकत है, इससे लोगों को रोकना चाहिए। आप 20 रकात तरावी पढ़ते हैं या आप पूरा कुरान तरावी में सुनते हैं या 8 रकात पढ़ते हैं, पूरा कुरान सुनते हैं या थोड़ा सा कुरान सुनते हैं, लेकिन कुरान तरतील से ही पढ़ा जाएगा, कुरान तरतील से ही पढ़ा जाएगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि आप बहुत स्पीड में पढ़ें या आप इतना फास्ट पढ़ें कि किसी को समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हेलो जी, मेरा हो गया, शुक्रिया। जी सबका हो गया, जजाकल्लाह। भैया
किसी का सवाल नहीं है तो हम लीव कर सकते हैं। चलिए,